कि हम अंग्रेजियत के ढोंग पाल बैठे हैं, ना जाने कैसे कैसे रोग पाल बैठे हैं। नई जमात हैं हम, 4 डिग्रियां लेकर घरों में गाय छोड़ आज कुत्ते पाल बैठे हैं। ये वो लाइनें हैं जो आज के समाज की हकीकत बन गई हैं। लेकिन शाहजहांपुर के शरद गंगवार को देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। जी हाँ, शरद गंगवार वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका जैसे हाईफाई देश में अपनी वीआईपी नौकरी छोड़कर वापस अपने वतन में गायों की सेवा करने आए हैं। शाहजहांपुर के रामपुर गांव के रहने वाले शरद को 2009 में अमेरिका की अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन 5 साल बाद उन्हें देश की मिट्टी, अपने वतन और अपने गांव खींच लाई। 2014 में वह वापस लौट आए और 2015 में 4 गायों से अपने करियर की शुरुआत की। आज उनके पास 75 गायें हैं। ये गायें आज उनके लिए सबसे बड़ा रोजगार बन चुकी हैं। होटल मैनेजमेंट किया था और MBA किया था, उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट में मुझे अच्छी सी नौकरी मिली और मैंने फिर मुझे अमेरिका में काम करने का मौका मिला। अच्छा अनुभव था, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि हम लोग अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी स्किल्स हैं, उनको हम वहाँ पे एप्लीकेबल करके उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। फिर और गांव से जुड़ा हुआ हमारा मेरी पैदाइश थी, तो फिर मुझे मौका भी मिला और मैं आना भी चाहता था। तो फिर मैं वापस इंडिया आके मैंने अपना जो है गायक में करियर को तलाशा। इन गायों से रोजाना 200 लीटर दूध का उत्पादन होता है। यही वजह है कि आज वह पूरे जिले के सबसे बड़े दूध उत्पादक बन चुके हैं। शरद की जिंदगी अपनी गायों और इसी गौशाला में गुजर रही है। इसमें उनका साथ उनकी पत्नी भी बखूबी देती हैं। उनकी इस गौशाला से 8 और लोगों को रोजगार मिला है। जो है आज हमारे पास करीब 75 जानवर की डेयरी है और मैं इसमें नस्ल सुधार का भी काम करता हूं और बाकी किसानों को प्रेरित भी करता हूं और अब जो है हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है। शरद के इस जज्बे को देखने के लिए जिला प्रशासन के अफसर भी उनकी गौशाला को देखने के लिए अक्सर ही आते रहते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिला कि इन्होंने डेयरी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया है। पैसा कमाने के लिए आज ना जाने कितने हिंदुस्तानी विदेशों की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। आज वह हिंदुस्तान को भूल भी चुके हैं, लेकिन गायों के प्रति लगाव रखने वाले शरद आज अपने जिले की शान बन गए हैं।